हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास। स्टूडेंट, आज हम आपको हेरोन फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, है ना। ये जो फॉर्मूला है ये क्लास 6, 7, 8, 9, 10, है ना, और आगे भी इसका प्रयोग किया जाता है ना, 12 तक भी मैथ में इस फॉर्मूले का प्रयोग हम करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम इसी के बारे में सीखेंगे, है ना। इसका प्रयोग क्यों करते हैं, देखिए, जब भी कोई ट्रायंगल होता है तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए बहुत सारी विधियों का प्रयोग करते हैं, है ना। जिसमें से एक कॉमन फॉर्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, है ना, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले के द्वारा हम सभी जो भी ट्रायंगल होते हैं उनका एरिया नहीं फाइंड कर सकते, है ना। तो सबका एरिया फाइंड करने के लिए, जितने भी ट्रायंगल होते हैं उन सभी का एरिया फाइंड करने के लिए हमें एक ऐसे फॉर्मूले की आवश्यकता है जो सभी ट्रायंगल का एरिया निकाल सके, और वो खूबी जो हमारा ये हेरोन फॉर्मूला है ना इसके अंदर है, है ना। एक महान वैज्ञानिक वो थे, गणितज्ञ, जिनका नाम हेरोन था, उन्हीं के नाम पे इस फॉर्मूले का नाम हेरोन फॉर्मूला पड़ा है। स्टूडेंट, इसे हीरो फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है, है ना। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, हेरोन फॉर्मूला, हेरो, है ना। तो जी, इसे हिंदी में अगर देखें, हेरोन माने बुगला होता है, सत्य एक व्यक्ति का नाम है ये, है ना। तो हेरोन एक बुगला होता है, अगर आप इसे गूगल पे डाल के सर्च करें तो बुगले का सूत्र आएगा इस तरह, है ना। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले को समझने के लिए तो इसका थोड़ा सा बेस समझ लेना चाहिए हमें, है ना। तो हम ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे बना, किस किस के लिए प्रयोग हो सकता है वो हम देखते हैं, है ना जी। हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं किसी भी ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए करते हैं ना। अब कोई मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, है ना, ये आपके पास ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल के टाइप देख लीजिए, पहले टाइप ऑफ द ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु त्रिभुज, है ना। जो ट्रायंगल होते हैं वे तीन प्रकार के होते हैं मोस्टली, और हम इन्हें जो है दो प्रकार से देखते हैं ना। एक तो देखते हैं बेस ऑफ एंगल, और एक देखते हैं बेस ऑफ साइड्स, है ना जी। तो हम इन्हें देख रहे हैं बेस ऑफ साइड, साइड के आधार पर ट्रायंगल के प्रकार। कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक स्केलिन ट्रायंगल, इनके विषम बाहु त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग हों। तो जो जिसकी सारी भुजाएं अलग अलग होंगी वो ही त्रिभुज, वो ही ट्रायंगल यानी के स्केलिन ट्रायंगल कहलाएगा, यानी के विषम बाहु त्रिभुज। विषम माने असमान, अलग अलग, बाहु माने भुजाएं, त्रिभुज माने जी ऐसा एक ऐसी आकृति जिसकी तीन भुजाएं हो, है ना। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है, है ना। नंबर दो इसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि जिसकी दो भुजाएं समान हो, जैसे ये भी सिक्स है, ये भी सिक्स है, ये सेवन हो गई। तो जिसकी दो भुजाएं समान हो वो है इस सोसीलेस ट्रायंगल, है ना। स्टूडेंट, जो इनके जो प्रोनंसिएशन है वे थोड़ा, देखो दो तरह के प्रोनंसिएशन होते हैं, एक अमेरिकन होता है, एक ब्रिटिश होता है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, है ना। फिर है जी इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज,
समभाव त्रिभुज यानी के इक्विलैटरल यानी के जिसकी सभी भुजाएं समान हो, है ना जी। तो ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। सबसे पहले आपको यही सीखना पड़ेगा अगर आप इस फॉर्मूले को करना चाहते हैं, इस प्रकार के आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको इसका बेस आना ही चाहिए, है ना। जब आपको यही नहीं पता होगा स्केलिन ट्रायंगल क्या है, इसोसीलेस ट्रायंगल क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो आप एरिया ही क्या निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे ना। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए ये तीन प्रकार के होते हैं, है ना जी। जो ये फॉर्मूला होता है हमारा 1/2 × b × h, ये आप जानते हैं ये एरिया का फॉर्मूला है ट्रायंगल का। लेकिन इससे स्टूडेंट हम ये तो ये इसोसीलेस और इक्विलैटरल इनके तो बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं एरिया। जो स्केलिन ट्रायंगल है इसका एरिया निकालने में प्रॉब्लम आती है, आप इस मेथड से इसे नहीं फाइंड कर पाते, है ना। तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जिससे हम तीनों का एरिया निकाल लें, है ना जी। तो इस फॉर्मूले से जो हमारा हीरोन का फॉर्मूला है या हीरो का फॉर्मूला है, तो इससे हम इन तीनों के एरियाज निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसके क्वाड्रिलैटरल यानी कि चतुर्भुज का भी आप एरिया निकाल सकते हैं, है ना जी। हम इस वीडियो में आपको सिर्फ फर्स्ट वाले का एरिया निकाल के दिखाएंगे, है ना। और जो बचे हुए दो हैं उनका हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें निकाल के दिखाएंगे, है ना। क्या नहीं तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप जान चुके होंगे अब तक कि भाई जो ट्रायंगल होते हैं वे तीन प्रकार के होते हैं बेस ऑफ साइड के आधार पर, यानी कि साइड के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। और हम समभाव त्रिभुज का आपको एरिया निकाल के दिखाएंगे यानी कि क्षेत्रफल, ठीक है जी। तो स्टूडेंट आपको किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले आपसे उसका पेरीमीटर निकालना आना चाहिए। क्या निकालना आना चाहिए जी, पेरीमीटर। तो देख लीजिए सबसे पहले पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर का मतलब होता है परिमाप। देखिए स्टूडेंट एक ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है, ये इसे ए बी, चलो इस मोल में लिख देते हैं बी और सी, ये इसकी साइड्स होती है ए बी बी सी सी ए, ये साइड्स होती है, ये आप इसे ए कह सकते हैं, इसे बी इसे सी, तीन साइड है इसमें। तो स्टूडेंट हमें एरिया निकालने के लिए तीनों साइड पता होनी चाहिए, और यही ध्यान से सुने और यही शर्त है आपको हीरोन फॉर्मूला लगाने के लिए। अगर आप किसी भी कोई भी आपके पास इन तीनों में से कोई सा भी ट्रायंगल है ना, तो आपको उसकी तीनों साइड पता होनी चाहिए, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ठीक है जी। तो आपको तीनों साइड पता ही होनी चाहिए। तो हमें तो निकालना था एरिया और हम निकाल रहे हैं पेरीमीटर, तो स्टूडेंट ये भी बहुत जरूरी है पेरीमीटर निकालना। देखिए किसी कोई भी हमारे पास ट्रायंगल है तो उसके तीनों भुजाएं ले लीजिए, मान लीजिए ये 6 है, ये 4 है, ये 10 है ना। तो हमें इसका पेरीमीटर निकालना होता है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है जी, परिमाप, यानी कि जो इसकी आउटर बाउंड्री है ना, बाह्य ये वाली, इसे हम कहते हैं परिमाप। ये आउटर बाउंड्री है जो बाहर की, इसे निकालना ही परिमाप कहलाता है ना, यानी कि पेरीमीटर। परिमाप, परि माने चारों ओर, माप माने नापना, है ना, चारों ओर से नापना, हम इसे चारों ओर से नाप रहे हैं इसकी बाउंड्री को, जो एक्सटर्नल बाउंड्री है बाहर है बाह्य जो सीमा है इसकी, इसे चारों ओर से नापना ही परिमाप कहलाता है, ठीक है जी। तो परिमाप का क्या मतलब होता है, टोटल ऑफ इट्स ऑल साइड, जितनी भी इसकी साइड दी हुई है उन सबको आप ऐड कर लीजिए। देखिए 6 + 4 + 10,
ये है, इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 6 और 4 10 और 10 20। तो इस तरीके से जो हम इसका क्या निकाल लेंगे, हम इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं। स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं इसके लिए ट्रायंगल की, है ना। ये दो हम जो बच्चे हुए हैं उनकी वीडियो बाद में समझाएंगे आपको। किसी का भी आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो सबसे पहले आपको इन तीनों में से जिसका भी आप निकालना चाहते हैं उन सबका आपको पेरीमीटर निकालना होगा। ठीक है जी, क्या निकालना होगा, सबसे पहले आपको इनका पेरीमीटर निकालना होगा। तो इसका पेरीमीटर कितना आ गया, 20 आ गया। अगर आप इसोसेलेस का निकाल रहे हैं तो इसका भी आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल का निकाल रहे हैं समबाहु त्रिभुज का, तो इसका भी आपको पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, है ना। पेरीमीटर क्या, क्यों निकाल रहे हैं हम, है ना जी। तो पेरीमीटर निकाल रहे हैं इस एस को प्राप्त करने के लिए। ये हमने पेरीमीटर निकाल लिया, और तो हमें देखिए पेरीमीटर जो है ये पूरा पेरीमीटर है ना। तो हमें इसका आधा लेना होता है, हाफ सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब होता है यहां जो ये एस है, इसका मतलब होता है सेमी, सेमी पेरीमीटर। तो हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होता है, ये हमारा पूरा पेरीमीटर है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस पेरीमीटर को पेरीमीटर अपॉन टू, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन टू, जो भी हमारा पेरीमीटर है उसे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 20 आया, 20 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 10 आ गया, आ गया ना। तो हमें सारे किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए एस की आवश्यकता होगी। और एस क्या है यही समझना है आपको, एस ये जो आपने पेरीमीटर निकाला ये आपको 3rd 4th 5th इन क्लासों में सिखाया जा चुका है ना। पेरीमीटर आप अच्छी तरह निकालेंगे, और पेरीमीटर निकालने के बाद आप उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, है जी। इन जो भी तीनों साइड दी हुई होंगी इन तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो आपका एस आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको एस निकालना आ गया, एस का मतलब होता है आधा पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिधि, है ना, अर्ध परिधि भी कह सकते हैं, सेमी पेरीमीटर। तो स्टूडेंट आप इतना सीख गए, आपको पता चल गया कि भाई एस क्या होता है ना। तो हम एक आपको एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल सोल्व करके दिखाएंगे हम आपको। इस फॉर्मूले के लिए आपको हाइट की आवश्यकता नहीं है, है ना, बस 3 साइड चाहिए। मान लीजिए स्टूडेंट आपने एक ट्रायंगल ले लिया जिसकी ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है जी। तो 3 साइड है जी। तो एक साइड हमारी 40 सेंटीमीटर है मान लीजिए, और ये हमारी 30 सेंटीमीटर है ना जी, और ये हमारी, और ये हमारी 50 सेंटीमीटर है। अब आपसे कह रहा है कि इसका एरिया निकालिए, इसमें आपको हाइट तो नहीं पता। अगर आपको हाइट पता होती तो आप इसका क्या करते, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट कर लेते, निकल जाता। लेकिन आपको इसकी हाइट नहीं पता, है ना, और आपको इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप इसका एस निकाल लेंगे। एस इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, है ना जी। तो जी हमारी ए कितनी है, कोई सी को भी आप ए बी सी कोई सी को भी मान सकते हैं। ए हमने ये मान लीजिए ये हमारी 40 है, और बी हमारी 30 है, और सी है जी हमारी 50। सी है जी हमारी 50,
अपने यहां टू कर दिया। तो स्टूडेंट ये इसका एरिया ही निकल रहा, ओ सॉरी पेरीमीटर निकल रहा, इन तीनों को आप ऐड कर रहे ना, तो ये एरिया पेरीमीटर ये है इसका, तीनों को ऐड कर दिया तो हमने एक साथ लिख दिया सर। तो कितना होगा जी, देखिए 5 और 3 कितने हो गए 8, 8 और 4 कितने हो गए जी 12, और सब में एक एन जीरो है तो एक एन जीरो आप ऐसे लिख सकते हैं, या आप 50 और 30 ऐसे भी ऐड कर सकते हैं, हमने तो 3, 4, 5 ऐसे ऐड कर लिया, बाद में एक जीरो लगा दी, ठीक है जी। फिर हमने से कर दिया 2 6 12 है ना, एक जीरो बच गई उतार ली, लगे चलती नहीं लगा दी जीरो। या स्टूडेंट आपसे अगर ऐसा डिवाइड नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 6 12 रिमाइंडर 4 ब्रिंग डाउन कर लिया आपने जीरो, तो जीरो पर टू का टेबल अप्लाई नहीं होता तो आंसर में एक जीरो ऐड कर देते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये क्या आ गया हमारा एस, तो जी एस इज इक्वल टू 60 आ गया है ना। तो स्टूडेंट जो भी हमारे पास मान है वैल्यू है वो हम इस फॉर्मूले में ऐड कर देंगे। देखिए ये हमारा फॉर्मूला है, यहां हमने अंडर रूट कर लिया है जी, फिर क्या है हमारा एस है, एस का मान कितना है हमारा 60 है, हमने यहाँ पे 60 लिखा, फिर हमने ब्रैकेट लगा दिया, फिर एस है, फिर दोबारा फिर 60 लिखेंगे, और माइनस ए, ए क्या है हमारा 40 है, हमने माना था 40, फिर ब्रैकेट बंद कर दिया, फिर हमने दूसरा एस है दोबारा, फिर हम 60 लिखेंगे, अब माइनस, अब बी वाला बी कितना माना था जी हमने 30, तो जी इसे भी लिख देंगे, अब फिर 60 है और सी कितना था कि हमारा 50, तो हमने यहाँ पे इसे इसकी वैल्यू जो था जो हमने इसमें एस की जो वैल्यू है इनकी एबीसी की सबकी वैल्यू फिल कर दी है ना, तो हमने इसमें सबकी वैल्यू फिल कर ली। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, अब हम जो ब्रैकेट है उन्हें सोल्व करेंगे, तो हम फिर ऐसे लिखेंगे सर, तो 60 तो सेम का सेम ही रहेगा, अब देखो 60 में से आप 40 माइनस कर दो 20 बच गया आपके पास, फिर 60 में से आपने 30 माइनस कर दिया तो आपके पास 30 रह गए है ना, अब आपने 60 में से 50 माइनस कर दिया तो आपके पास यहाँ पे 10 रह गए। ओके स्टूडेंट, अब ये दो ब्रैकेट हैं, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या आता है, कौन सा चिन्ह होता है, यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, जब कोई चिन्ह नहीं होता दो ब्रैकेट के बीच में तो स्टूडेंट वहां पे मल्टीप्लाई का चिन्ह मान लिया जाता है, ठीक है जी। तो आपने यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह इसे मान लिया कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, ठीक है जी। तो अब क्या है जी, ये सब मल्टीप्लाई है तो आप इन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो स्टूडेंट दो मेथड है हमारे पास मल्टीप्लाई करने के, या तो आप इन्हें 60 और 20 को अलग रख के मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आंसर आए उसमें 30 माइनस कर मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा उसमें 10 माइनस कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 की सॉरी, ठीक है जी। लेकिन हम तो ऐसे सीधा कर लेंगे, 6 2 12 और 12 3 36 और 36 1 36। तो स्टूडेंट कितना आ गया 36 आ गया, 1 0 2 0 3 0 4 0, तो आपने यहां पे 4 0 ऐड कर ले भाई, 1 0 2 0 3 0 4 0, तो आपने ये 4 की 4 0 यहां पे लगा दी, तो अब ये आ गया, ठीक है जी, आ गया ना, ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप इसे ऐसे भी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करें 0 0 है ना 0 12, तो फिर ऐसे बहुत लंबा होता चला जाएगा, खमा खा बिना बात का इतना टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका। तो आप इसे मल्टीप्लाई का शॉर्ट मेथड कर ले अगर आप चाहें तो, अगर आपसे नहीं हो रहा तो फिर आप जैसे ये आंसर आया इसमें फिर 30 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा फिर 10 की मल्टीप्लाई कर दीजिए है ना स्टूडेंट। तो अब ये हमें अंडर रूट है इसे सोल्व कर लेना है,
तो इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो जी ये 36000040 है, तो इसे हम जो इसका अंडर रूट निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, तो इसके पेयर बनाते हैं और पेयर लास्ट की साइड से बनाते हैं इधर से, तो स्टूडेंट हमारे तीन पेयर बन गए, है ना। तो हम यहाँ पर जो भी डिजिट यहाँ लिखेंगे वो डिजिट आंसर में आनी चाहिए। अगर हम यहाँ ये 36 है, 36 पे टेबल अप्लाई करना चाह रहे हैं, अगर यहाँ यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखना होगा, मैं 2 जा 4 बहुत कम रहेगा। अब यहाँ 3 लिखेंगे, 3 जा 9 अब भी कम रहेगा। अगर यहाँ 4 लिखे, 4 जा 16, 5 जा 25 अब भी कम है। अगर हम यहाँ 6 लिख दें, 6 जा 36, तो हमने इस पेयर पे ये पूरा चल गया, है ना। तो अब इसे माइनस कर लेंगे, 0 0, ठीक है जी। अब हमने पेयर बनाया, तो हम पेयर पूरा का पूरा पेयर यहाँ पे ब्रिंग डाउन करेंगे नीचे। तो ये पूरा पेयर करने के बाद भी हमारा टेबल जो अब अप्लाई नहीं होता, तो हम आंसर में 0 ऐड कर देते हैं जी, कर दी। अब फिर नेक्स्ट पेयर उतारेंगे, नेक्स्ट पेयर पर ब्रिंग डाउन करने के बाद भी हमारा टेबल अप्लाई नहीं हुआ, तो फिर दोबारा फिर 1 0 ऐड कर देंगे। तो स्टूडेंट आपका आंसर आ चुका है, अब आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आपका आंसर आएगा 600 cm², और यही आपका आंसर है, ठीक है जी। तो आप इसी फॉर्मूले का बिल्कुल प्रयोग करके ये वाला क्वेश्चन भी और ये वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही निकाल सकते हैं। वैसे तो अब ये इक्विलैटरल है, तीनों साइड एक जैसी हैं, इसकी दो साइड एक जैसी हैं, तो जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं, बदलाव कर लेते हैं। अगर आप बदलाव नहीं करना चाहते, सेम एज इट इज इसी फॉर्मूले से इसी तरह निकाल सकते हैं तीनों का। वैसे हम इसका चेंज करके जो फॉर्मूला बनेगा वो भी आपको सिखा देंगे, है ना। तो आपको समझ में आया होगा ये हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो स्टूडेंट इसमें कुछ भी नहीं होता, सबसे पहले जो भी ट्रायंगल होता है इसमें इसकी तीनों साइड दी होनी चाहिए, देख लीजिए तीनों साइड दे रखी, नहीं दे रखी तो इनका पेरिमीटर निकालो, इन्हें जोड़ दो तीनों को, तीनों साइड को जोड़ लो, किसी का भी हो। आप इसके लिए इनका निकाल रहे हो, आइसोस्केल सेल का निकाल रहे हो या इक्विलैटरल का निकाल रहे हो, तीनों से किसी का भी निकाल रहे हो, तो इन तीनों के जो भी आपको दिया हुआ है इन तीनों साइड को जोड़ लें, जोड़ के उसे आधा कर लें, तो आपके पास ऐसा आ जाएगा। अब उस एस में से ये तीनों साइड आप घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, और माइनस करके जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई करके जो आपका अंडर रूट आएगा उसका मान निकाल लीजिए, है ना। देखिए है ना कितना आसान। तो इससे आप कोई भी किसी भी ट्रायंगल का आप जैसा क्वेश्चन जो क्वेश्चन है उसमें नहीं आया कि भाई आप बेस ऑफ हाइट वाला ही फॉर्मूला यूज करो, है ना, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर लो, 3-4 फॉर्मूले ना लगा के एक ही फॉर्मूले से काम चल जाएगा। आइए क्योंकि इक्विलैटरल क्वाड्रिलैटरल का भी निकाल रहा है ना, ये भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप इन दोनों के भी और इसके भी आपको आगे सिखा देंगे इसमें। ओके स्टूडेंट, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो कुछ यूजफुल है, आपके लिए लाभदायक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी आसानी से समझ में आ सके, ठीक है जी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।